तो इस वीडियो बात करने वाले कि एम्स सीआरई एडमिट कार्ड के अपडेट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट प्रिफ्रेंस चूज करना है। ठीक है, तो इस वीडियो बताने वाला है कि पोस्ट प्रिफ्रेंस आपको कैसे चूज करना है। अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, इसको लॉग इन और पोर्टल खोले हुए, और यहाँ पर बात करें कि एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर एग्जाम जो शेड्यूल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल के बारे में बताया गया है। तो आपको ये एग्जाम होने वाला है 18 दिसंबर और 20 दिसंबर आपको रहने वाला है। ठीक है, 18 दिसंबर को आपको मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद 20 दिसंबर को आपको ओनली आपको इवनिंग शिफ्ट में रहने वाला है। तो ये हो गया आपको एग्जाम शेड्यूल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें कि आपको पोस्ट प्रिफरेंस कैसे चूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले को लॉग इन वाला ऑप्शन में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे लॉग इन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले लॉग इन करेंगे, कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपका इस तरह से पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में लिख रहा है कि योर एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी फॉर सीआरई एम्स इज राजस्थान। यहाँ पर पोस्ट प्रिफरेंस चूज करने के लिए चॉइस वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। लॉग इन के लिए यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर साइनिंग पर कर और यहाँ पे साइनिंग कर देंगे। अगर मान ली कैंडिडेट आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम यूजर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पर कैंडिडेट आईडी डालना है। कैंडिडेट आईडी डालने के बाद यहाँ पे साइन अप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको गया होगा एसएमएस के द्वारा, तो यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर वैलिड एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फिर से इस तरह से आपको पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से पासवर्ड बनाएंगे, क्रिएट पासवर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पर सेव एंड लॉग इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट प्रिफरेंस चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देखिए चॉइस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट प्रिफरेंस के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट प्रिफरेंस आपको चूज करना है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको अप्लाई इंस्टीट्यूट का दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, नीचे जो है ना आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पोस्ट नेम बताएगा, उसका इंस्टीट्यूट नेम आपको बताएगा। ठीक है, अगर और भी यहाँ पर मल्टीपली आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके चूज करेंगे। और भी यहाँ पर मल्टीपली आप ऐड करना चाहते हैं पोस्ट प्रिफरेंस, तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। पोस्ट प्रिफरेंस आपका सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका इस तरह से है ना सक्सेसफुली हो जाएगा। आपका सक्सेसफुली होने के बाद इस तरह से आपको पेज खुलेगा और यहाँ पे प्रिंट पेज का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इस पेज को प्रिंट आउट करके अपना रख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, आप लोग को बता दें कि किस तरह से इसमें पोस्ट प्रिफरेंस आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बताएं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।